हाय एवरीवन हम लोगों के पास सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जब भी हम जॉब अप्लाई करने चाहते हैं कोई भी फ्रेशर के लिए मोर ओवर कि हमारे पास एक्सपीरियंस मेंशन करने के लिए कुछ भी नहीं होता है बिकॉज सी आजकल व्हाट वॉट इज द ट्रेंड है कि बहुत सारी कंपनीज अपनी सेकेंड ईयर में आपके थर्ड ईयर में जॉब्स निकाल रही है राइट अब द तो वेरी

और आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस नहीं है अपने रिज्यूमे के एक्सपीरियंस सेक्शन में ऐड करने के लिए दैट इज ओके पता है बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज आते ही नीचे पॉइंट किसी के पास भी नहीं होता यार अगर मुझे फर्स्ट ईयर में कोई जॉब अप्लाई करनी होगी तो क्या मैं डेलॉइड या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का आई विल नॉट बी हैविंग द एक्सपीरियंस किसी भी कंपनी का राइट right? नहीं होगा तो सिमिलरली अगर आपको अप्लाई करना है आपके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है तो उस केस में हम लोग क्या ऐड करेंगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता जॉब भरने का नहीं ऐसा भी नहीं वी हैव द स्टिल द ऑप्शन फॉर फिलिंग द जॉब एंड इवन फॉर गेटिंग सिलेक्टेड सर हम देखेंगे कि लाइक वॉट आर द टिप्स एंड जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए टू फिल इन एक्सपीरियंस सेक्शन आई एम एंड होप यू ऑल आर डूइंग डूंग चलिए बात करते हैं हम लोग कि वॉट डू यू हैव टू फिल इन टू योर एक्सपीरियंस सेक्शन पता है सबसे पहले बात मैं बताती हूँ कि जब मैंने अपना रिज्यूम बनाया था इन द स्टार्टिंग बनाया वॉज बैक इन माई फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट टाइम ऑल्सो मेरे पास भी कुछ भी नहीं था रिज्यूम में मैं अपने ऐड करने के लिए ठीक है स्किल्स आई लर्न थोड़ी बहुत तो वो मैंने ऐड करी थी प्रोजेक्ट्स आई डों की बहुत स्पेशल पास प्रोजेक्ट था कोई छोटे मोटेक्ट आई मेड इट वाई लर्निंग से आई एड एट दो वट आईड इन माई एक्सपीरियंस एक्शन वॉज कि मैने वेन आई वॉज इंटर माई स्कूल स्कूल में देर आर आ लॉट ऑफ सोसाइटी राइट अगर आपने अपने स्कूल वगैरह में पार्टिसिपेट कराओगे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल में बहुत सारे काइंड ऑफ क्विज कॉम्पिटिशन होते हैं डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं राइट right? ऐसे बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं स्कूल्स में नावर डेज तो दैट इज अ वेरी फर्स्ट थिंग विच यू कैन एड इन टू योर रिज्यूम इन द एक्सपीरियंस सेक्शन अगर आपने पहले कोई किसी सोसाइटी में वर्क किया है ठीक है

सिमिलरली so आपको वही जस्ट ऐड कर देना है अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस बना करके एज अ फ्रेशर के रिज्यूमे के लिए ठीक है सी अगर आप किसी इंटर्नशिप में फर्स्ट सेकेंड ईयर में अप्लाई कर रहे हो तो इन दैट केस आपको एक्सपीरियंस में क्या ऐड करना चाहिए दिस इज समथिंग विच यू कैन ऐड सी अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पहुंच जाते हो तो उस टाइम तक तो आपके पास थोड़ा बहुत इंटर्नशिप काम का या, का, या मे बी किसी आपने कुछ ओ, एक्स्ट्रा करा है अपने कॉलेज में कोई कॉम्पिटिशन किया है इन सब एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है राइट बट इन दैट केस इट डजेंट मीन कि आपको थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर तक मोर ओवर वेट करना पड़ेगा किसी इंटर्नशिप या जॉब को लेने के लिए ठीक है आई वोट टॉक अबाउट जॉब ज्यादा मैं इंटर्नशिप पे ज्यादा फोकस करूंगी बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर को

राइट right? सो so, आप इसका एक ट्रैक रख सकते हो कि कब कौन सी कंपनी निकाल रही है एंड अकॉर्डिंगली आप कोई अच्छा कॉम्पिटिशन जीते हो स्कूल्स में बहुत सारे स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन होते हैं आई फैम नॉट रॉन्ग एनएससी एन एस यू बहुत सारे ओलंपियाड्स होते हैं आपके राइट right?

इंग्लिश ग्रामर है उसकी इंग्लिश लैंग्वेज जो आप उसमें लिखने वाले हो फॉर द टू लाइनर्स टू एक्सप्लेन कि आपने उसमें क्या किया था दैट शुड बी वेरी 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 गुड ठीक है तो उसके लिए आई वुड से कि आप ए आई टूल्स का रेफरेंस ले सकते हो बट आई वोट से कि आप उसमें कॉपी करो बिकॉज जब आपका रेज्यूमे ए के थ्रू जाता है अगर आपने वहाँ पे ए आई यूज़ किया है तो दैट डजेंट गेट शॉर्ट ठीक है सो डोंट यूज चार्ट जीपीडी डायरेक्टली आप चार्टीपीडी रेफरेंस लेके उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हो पहला चीज तो आप ये कर सकते हो ठीक है अब दूसरा चीज क्या है अगर आपने पहले कभी किसी के लिए काम किया है ठीक है कोई फ्री चीज की है या मे बी बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं वाइल्ड दे आर स्टडींग वो अपने लाइक बच्चों को पढ़ाने भी लग जाते हैं अगर मान लीजिए नाइन्थ या टेंथ क्लास में हुआ तो बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड क्लास के बच्चों को स्टडी लाइक पढ़ाने भी लगते हैं राइट घर पर ही सो दैट इज वन थिंग जो कि बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर सकते हो उसको यू कैन गिव अ वर्क ऑफ फ्रीलांस आप उसको ऐड कर सकते हो अपने रेज्यूमर में कम्प्लीटली राइट So, that is how कुछ ना कुछ सी पास में कोई ऐसा फ्रीलांस किया होगा या कोई प्रॉपरली वर्क किया होगा इट जस्ट अबाउट रिमेम्बरिंग और आप उसको किस तरीके से क्यूरेट करके अपने इनटोन सॉरी uh, अपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में उसको एड कर सकते हो दैट इज चुस्ट दो इंपॉर्टेंट पार्ट

दिस इज फे यू आप इसको एड कर सकते हो आज मी थिंग वर्क बिकॉज मैंने भी स्टार्टिंग में रिज्यूम में ऐसे ही चीज़ें ऐड करी थी आई तो आई डिट ने आई नेवर वन कोई ओलम्पियाड या कोई डिबेट कॉम्पिटिशन मैंने इन सब में पार्टिसिपेट कभी नहीं किया था सो आई जनरली है मैंने क्या क्या किया था अपने स्कूल में मे बी आई विज आई आई डेड एंकरिंग मेरे स्कूल में सो आई जस्ट आड एड दो पब्लिक स्पीकिंग पार्ट तो इस तरीके से मैंने ये किया दो चीज़ें ऐड करी थी इन द वेरी स्टार्टिंग

हम लोग सभी लोग एक पॉइंट से स्टार्ट करते इट्स नॉट दैट कि अगर आपके रिज्यूमे में एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका सेलेक्ट नहीं होगा ठीक है ये दिस इज नॉट समथिंग जो अब है वर्ट पीपल एंड एच आर एंड स्पेशली गुड एच आर आर लुकिंग फॉर इज योर स्किल इफ़ यू आर गुड एट समथिंग इफ यू आर वेरी गुड एट योर स्किल यू डू नॉट नीड टू हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑल्सो एंड थिंग्स विल वर्क फॉर यू ठीक है जस्ट फोकस ऑन स्किल्स अच्छे से डेवलप करो जस्ट ये नहीं लगना चाहिए कि आपके पास पहले एक्सपीरियंस नहीं था तो इस वजह से आपकी स्किल्स भी अच्छी नहीं है मैटर so, नहीं करता है, है कि नहीं है डटर्स ठीक है थर्ड इज अगर आपको शो show, तो आप क्या कर सकते हो अपना एक पोर्टफोलियो बना लो पोर्टफोलियो कैन बी फॉर्म ऑफ अ वेबसाइट ठीक है जिसमें कि आपके बारे में कई सारे यू कैन मेंशन एवरीथिंग अबाउट यू आपने किस यू हैव वन एनी कॉम्पिटिशन इफ यू पार्टिसिपेट एनी की पिक्चर्स like वगैरह होती हैं आपके पास राइट आप उनको ऐड कर सकते हो एक अबाउट मी सेक्शन यू कैन ऐड ऑन टू योर पोर्टफोलियो ठीक है इफ़ यवर सर्टिफिकेशन आपने करे आप उनको ऐड कर सकते हो सो so, आप इस चीज में कर सकते हो अगर आपके कोई रिस्पेक्टिव स्किल्स नहीं है यू कैन मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ योर एंड एडेट इन टू योर रिज्यूमे आज इन द एक्सपीरियंस सेक्शन ठीक है सो दैट इज गाइज इफ यू आर अ फ्रेश्ड यू वरी अबाउट के एक्सपीरियंस में मैं क्या मैंशन करूँ ये चीजें हैं वट यू हैव टू डू ओवर ठीक है जस्ट आपने एक पेपर में ये लिख दिया कि आपका एक्सपीरियंस किसी इस बहुत बड़ी कंपनी में है एंड एट द सेम टाइम किसी का एक्सपीरियंस नहीं है दैट डजेंट मैटर्स कि आपके स्किल्स कम हो गए एक्सपीरियंस पर्सन से ठीक है आपकी स्टिल हो सकता है कि आपके स्किल्स ज्यादा हैं फ्रॉम दैट पर्सन इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि आपका एक बार इफ यू गेट योर रेज्यूम इज सेलेक्टेड अच्छे से अपने इंटरव्यूज दो एंड जस्ट शो दैट योर एक्सपीरियंस डिफाइन योर ओन स्किल्स राइट सो फ्री आपको मेरी बात समझ में आई होगी वट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू तो जल्दी से अपने रेज्यूम बनाओ ठीक है एक्सपीरियंस सेक्शंस ऐड करो जो भी फ्रेशर्स यहाँ पे हैं जिन्होंने जिनके पास कोई पास एक्सपीरियंस नहीं जल्दी से बनाओ

if you haven't subscribed to the channel do subscribe the channel see you there in the next video